चार पांच कलर थे, मतलब बेसिकली चार नए कलर। खा ले मेरे को ही, खा ले तू, वीडियो बनाते बनाते खाना दूंगा ना। एंड ऑफ फ्लैशबैक। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। ए साइड रे, मेरा वीडियो है, मैं आएगा इधर, तू नहीं उधर बैठ, चुपचाप। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। रॉयल एनफील्ड ने ना जब अपनी ट्विंस बाइक निकाली थी, विच मीन्स इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी, दो की दोनों गेम चेंजर बन गई थी। सबको लगा था कि इतना कुछ खास नहीं होगा क्योंकि रॉयल एनफील्ड परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट बाइक कभी बनाया ही नहीं था, परफॉर्मेंस बाइक्स नहीं होती थी। बट जब ये इंजन लॉन्च हुआ, जब ये बाइक लॉन्च हुई ना, इसने पूरा का पूरा गेम पलट दिया भाई, गेम पलट दिया, जज्बात पलट दिया, वक्त बदल दिया, सब कुछ कर दिया उस बाइक ने। बट क्या होता है जब सब्जी बहुत शानदार होती है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सब्जी जब बहुत शानदार होती है बट उसको सही से परोसा ना जाए तो उतना मज़ा नहीं आता। आई मीन है बहुत टेस्टी बट किधर किधर, बहुत जल्दी तेरे को, बहुत जल्दी है, बैठे रहो चुपचाप, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तब तक बैठे रहो, उसके बाद तेरे को मछली खिलाऊंगा। तो एक्चुअली जो ब्रिटिश मोटरसाइकिल की जो फील होता है ना, जो एक्चुअल ट्विन्स होते हैं एक्चुअल, वो बाइक उसमें थी, वो फीलिंग उस बाइक में थी, वो क्या बोलूँ मैं, बस आप समझ जाओ। परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बात नहीं करें क्योंकि ये वीडियो पूरा पूरा कॉस्मेटिक्स पे है। बट सब्जी तो किधर जा रहा है रे, वीडियो बना लेंगे। बट फिर क्या हुआ कि रॉयल एनफील्ड ने जब ये बाइक लॉन्च की थी तो कलर्स बहुत ही लिमिटेड थे, अच्छे थे बट लिमिटेड थे। अभी रॉयल एनफील्ड ने गेम को और लंबा खींच दिया, अभी रॉयल एनफील्ड हैव पुश्ड द गेम्स फर्दर अवे। कैसे? रॉयल एनफील्ड ने अनाउंस किया, कल के कल ही ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि जो कलर आने वाले, जो नए कलर आने वाले, जिसमें कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650 पे जो नए नए कलर्स आने वाले, जो कि बहुत ही इनसेनली गुड है, वो अब गेम चेंजर बनेंगे। क्योंकि जो नए कलर्स आ रहे हैं ना, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही आई कैचिंग है। मतलब पुराने वाले भी कलर्स बहुत ही शानदार थे, बट एक बेसिक होता है, कस्टम होता है, फिर मिस्टर क्लीन होता है, क्रोम वर्जन होता है। बेसिकली कस्टम में दो होते हैं, बेसिक में दो होते हैं। बट अभी बॉस इनने ना पूरा का पूरा गेम पलट दिया है। अभी जो कलर आ रहा है बहुत ही स्टाइलिश है और बहुत ही सेक्सी लग रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो कलर्स के लिए मैं इतना एम्फसाइज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अभी जैसे ये वीडियो को मैं ब्लैक एंड वाइट में कर दूँ तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कलर्स इंपॉर्टेंट है बाबू ज़िंदगी में। सो सेम वही हिसाब किताब है आप, या सिर्फ ये वीडियो लाल या नीले पे चले। देखो जैसे बैकग्राउंड मेरा कंटिन्यूसली बदल रहा है, और ये ऐसे नहीं बदल रहा, मेरी आवाज़ से बदल रहा है। देखो देखो ये ऐसे बदल रहा है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर्स कितने इंपॉर्टेंट है, कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाइक्स में तो क्या बताऊँ तुम्हें, काली, सफ़ेद, नीली, हरी, पीली, कोई भी कलर हो, हर बाइक का अपना एक कलर होता है। मेरे को याद है सबसे पहले लॉन्च हुई थी अपाचे, जो कि थी येलो कलर की, पहली ऐसी बाइक थी जो मेरे को बहुत पसंद आई थी। बट कोई बात नहीं, अभी कॉन्टिनेंटल जीटी की बात करते, तो जो जब मैंने बुक की थी अपनी बाइक और जब मैंने डिलीवरी दी, उसके ठीक एक महीने बाद ही जिन जिन लोगों ने बुक की है ना, उनकी बुकिंग को 5 महीने 8 महीने 7 महीने लगा रहे थे। रीज़न बीइंग कलर वॉज अपग्रेडिंग। रॉयल एनफील्ड ने पुराना प्रोडक्शन बंद कर दिया था अपना, बिल्कुल ही बंद कर दिया था, नए कलर्स की बाइक वो निकालना स्टार्ट कर दी थी, नए कलर्स पे काम चल रहा था उनका, इसलिए डिलीवरी में बहुत लेट हुआ है। तुम्हारा लेट हुआ वो तो कमेंट करके बताना मेरे को। बट अभी कॉन्टिनेंटल जीटी जो नई आई है, उसके जो कलर्स है ना बॉस, बहुत ही सिक लग रहे हैं यार, बहुत ही सिक लग रहे हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मतलब मज़ा आ गया देख के कलर्स को। तो हम बात करते हैं एक एक करके कलर्स की, बात कर रहे थे इस बार नया कौन कौन से कलर आए हैं। वेल बेसिकली ज़्यादा नहीं है, हैं चार कलर है, लेकिन चारों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही शानदार कर दिया गया है इस बार। मेरे को लास्ट टाइम कलर्स कॉम्बिनेशन सिर्फ आइस क्रीन अच्छा लगा था, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट थी और मेरे पास है भी, और वही ज़्यादातर लोगों को पसंद भी आती है। बट इस बार इनने क्या चेंज किया है, इनने धनिया पत्ती, पुदीना और जितने भी तरह की गार्निशिंग की चीज़ें होती है ना, जिसको अपन सब्जियों के ऊपर डालते हैं, वैसे मस्त मस्त मसाला डाल के लाए ये लोग, बहुत ही शानदार काम किया। तो कलर्स पे फटाफट बात कर रहे थे, जो सबसे पहला कलर है वो है मिस्टर क्लीन, ऑब्वियसली क्रोम वर्जन, इसको साइड करो, ये पहले भी देखा अपन ने। बट जो दूसरा कलर है वो रॉकर रेड, जो कि है बहुत ही शानदार। मतलब जिस किसी को कॉन्टिनेंटल जीटी 535 याद होगी या वो कभी चलाया होगा, तो 535 रेड और येलो कलर दो कलर में लॉन्च हुई थी। अरे उधर देखना रे, लाल और पीले में लॉन्च ही हुई थी। ये जो लाल है ये 535 की याद दिलाता है, बट लाल कलर में इस रॉकर रेड। अभी इतना अजीब नाम क्यों रखते हैं भाई, लाल रख दो ना, रेड 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 रॉकर रेड। तो जो लाल कलर की बाइक है ना, 535 की याद दिलाती है, बट इट्स गॉट अ परफॉर्मेंस अंडरनीथ। ये बहुत ही शानदार लगेगी रेड कलर में इन पर्सन, फोटो में उतनी अच्छी नहीं लग सकती बट इन पर्सन ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। दूसरा जो कलर है वो वेंचुरा स्टॉर्म, जो कि बहुत ही तगड़ा है। इसके पहले था वेंचुरा ब्लू, जो इंटरसेप्टर पे शिफ्ट हो गया, ये है वेंचुरा स्टॉर्म। इसमें क्या है, टैंक का जो 25% हिस्सा है ना, उसको ब्लैक से कलर कर दिया गया, वाइट स्ट्रिप और फिर ब्लू कलर का आधा टैंक और काउल, अगर आप लेते हो तो, जो कि बहुत सेक्सी लग रहा है।
फिर है डक्स डीलक्स। अरे यार ये ओरियो बिस्किट जैसे नाम क्यों रखते हैं ये लोग भाई। ये गाड़ी ओरियो बिस्किट की तरह लग रही है जो कि बहुत ही क्यूट लग रही है, मेरे को क्यूट लग रही है। सो डक डक डक्स डीलक्स जो है मेरे हिसाब से सफ़ेद है, ठीक है। ओरियो बिस्किट बोलो तुम इसको, मेरे हिसाब से कलर रखना था ना तो ओरियो रख देते ज़्यादा अच्छा था, बट कोई नहीं। तो जो ओरियो का अब जो ओरियो है अपनी डक्स डीलक्स जो भी है उसमें बेसिकली आधा जो 75% टैंक का जो पोर्शन है वो है वाइट। आइस क्वीन हट गई है, ये आइस क्वीन का रिप्लेसमेंट है, वो है वाइट, 25% ब्लैक और गोल्डन से रॉयल एनफील्ड का टैग। ये भी किलर लग रहा है, नॉट दैट गुड, बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है ना ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन। भाई इतने अजीब नाम क्यों रखते हो यार, हरा बोल दो ना हरा तोता। तो जो हरा कलर है ना इसका बेसिकली बॉटल ग्रीन है, ये ग्रीन है ग्रे और वाइट की स्ट्राइप डली हुई है, फिर इधर पे ब्लैक है और इसका काउल भी ग्रीन आएगा जो कि बहुत तगड़ा लग रहा है। इसके फोक गेटर्स अब आप एक्सेसरीज नहीं रही, अब आप अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट कर दिया गया जो कि बहुत ही किलर लग रहा है। मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई रेसिंग ग्रीन, हरा भाई हरी हरी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इन पर्सन देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हो, आइस क्वीन का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। आइस क्वीन जैसा कलर, मतलब जो आई कैचिंग था वैसा ये भी कलर है। ये था लास्ट कलर ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन देन मिस्टर क्लीन, सो दैट्स ऑल। हाँ तो अब बात करते हैं इंटरसेप्टर 650 की। इंटरसेप्टर 650 का जो सबसे पहला कलर है वो है मार्क टू। मार्क टू में बेसिकली किया क्या गया है वो क्रोम वर्जन ही, जैसे वो मिस्टर क्लीन था अपने इसमें वैसे ये क्रोम वर्जन है, बट फर्क इतना है कि इसमें रेड पट्टी कर दी गई है। मतलब टैंक के कॉर्नर में लाल लाल पट्टी है और टैंक के सेंटर में भी एक लाल लाल पट्टी, जो क्रोम का ट्रेडिशन चल रहा है रॉयल एनफील्ड का वही है, बस फर्क इतना है कि वो लाल है। मेरे को क्रोम इतना पसंद नहीं था, बट इंटरसेप्टर का ये वाला क्रोम रेड फिनिशिंग के साथ बहुत सेक्सी लग रहा है, बहुत सेक्सी और इन पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा जो कलर है वो है कैनियन रेड। कैनियन रेड बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल जीटी रेड से थोड़ा अलग है, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा डार्क है और थोड़ा ब्लड रेड टाइप का है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इंटरसेप्टर पे। और जो तीसरा कलर है वो है वेंचुरा ब्लू। कॉन्टिनेंटल जीटी का जो कलर था वेंचुरा ब्लू, उधर वेंचुरा स्टॉर्म हो गया, इधर वेंचुरा ब्लू हो गया, एक्वा ब्लू बेसिकली आप बोल सकते हो। पता नहीं अजीब अजीब नाम क्यों रखते हैं भाई, लाल पीला हरा नीला ऐसे बोलो ना, खत्म करो ना यार, दिमाग की दही करते हो फोकट में। तो इधर वेंचुरा ब्लू मेरे हिसाब से नीला, फिर है ऑरेंज क्रश। अबे क्रश कैंडी क्रश खेल रहे हो क्या भाई, बट कोई नहीं। ये जो ऑरेंज कलर है पहले वाले से ये वाला कलर ज़्यादा बेटर है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है पर्सनली ऑरेंज। बट जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो है डाउन टाउन ड्रैग। अब इसका ये नाम इतना अजीब है ना, रॉकेट का नाम है, तुम जाओगे तुम बोल भी नहीं पाओगे भाई ठीक से कि मेरे को ये कलर चाहिए। बट मैं तुम्हें बता दूं, है वो पूरा ग्रे, आधी टंकी ग्रे है, मतलब 25% टंकी का हिस्सा जो वो ग्रे है, बाकी ब्लैक है और उसमें जो नियॉन ब्लू से जो स्टिकरिंग की गई है ना, ओहो ख़त्म मज़ा आ गया। इंटरसेप्टर के पहले मेरे को इंटरसेप्टर के कलर्स इतने पसंद नहीं थे क्योंकि उसमें ज़्यादा कलर थे नहीं, बस मेरे को वाइट ही अच्छा लगता था। बट अभी इसके सारे के सारे ही कलर बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ब्लैक इसमें से प्लेन ब्लैक जो बेसिक ब्लैक था उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह है ये सनसेट स्ट्राइप। अब सनसेट स्ट्राइप क्यों किया गया मेरे को नहीं मालूम, बट मतलब टैंक जो है वो काला है और नीचे से रेड एंड गोल्डन कलर की स्ट्राइप्स गई हुई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही, किलर लग रही, मतलब रैविशिंग रेड से लाख गुना ज़्यादा अच्छा कलर है, ये मेरे को बहुत पसंद आया। और बेकर एक्सप्रेस, यार इतने अजीब नाम क्यों रखते हो, सफ़ेद बोलो ना, बेसिकली सफ़ेद टैंक है लाल पट्टी है जो कि बहुत तगड़ी लग रही। इंटरसेप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट कलर था ये। और ये था इंटरसेप्टर 650 का। होप यू लाइक दिस वीडियो और अब तुमसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक चल वे चले अपन और यार।